इस वीडियो में हम विगॉट्स्की के सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव को देखेंगे और विगॉट्स्की के इंडिविजुअल थिंकिंग, कल्चरल टूल्स और प्राइवेट स्पीच पर व्यूज़ को डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग को समझेंगे। साइकोलॉजिस्ट अब इस बात को मानते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कल्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कल्चर ही डिसाइड करता है कि बच्चा किन किन चीज़ों के बारे में कब कब और क्या क्या सीखेगा। मिसाल के तौर पर कुछ खवातीन काम करती हैं, लेट्स से कि टेलरिंग करती हैं, तो वहाँ छोटी बच्चियाँ उनको देख देख कर और ऑब्जर्व करके काफ़ी हद तक खुद ही सीख लेती हैं। उन्हें इस काम के लिए बहुत कम इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती हैं। कल्चर जहाँ पे कोऑपरेशन और शेयरिंग हो, वहाँ बच्चे बड़ी आसानी से सीखते हैं। अगर कल्चर में कंपटीशन पर फोकस हो, तो वहाँ बच्चों में कंपेटिटिव स्किल्स इंप्रूव होती हैं। इन बातों पर अगर गौर करें तो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस पर क्वेश्चन उठता है। इसी तरह अगर कल्चर सपोर्टिव हो तो बच्चे एज से पहले मेच्योर हो जाते हैं। इस बात को रशियन साइकोलॉजिस्ट लेव विगॉट्स्की ने 1934 में एक्सप्लेन किया था। अनफॉर्चुनेटली विगॉट्स्की की डेथ जस्ट 38 ईयर की एज में टीबी की वजह से हो गई थी, मगर फिर भी उसने 100 से ज़्यादा बुक्स और आर्टिकल्स लिख लिए थे। विगॉट्स्की ने अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए लर्निंग और डिवेलपमेंट की स्टडी स्टार्ट की थी। इसके अलावा विगॉट्स्की ने लैंग्वेज एंड थॉट, साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, लर्निंग, डेवलपमेंट और स्पेशल स्टूडेंट्स के बारे में लिखा। विगॉट्स्की के अकॉर्डिंग हमारी एक्टिविटीज़ हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग होती हैं। कल्चर से हटकर हम इनको नहीं समझ सकते। उसके ख्याल में अगर हम मेंटल स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस को देखें कि वो कैसे डेवलप होते हैं, तो हमें पता चलेगा कि लोगों के साथ इंटरेक्शन से डेवलप होते हैं। हमारी थिंकिंग प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सोशल इंटरेक्शन होते हैं। विगॉट्स्की के अकॉर्डिंग सोशली शेयर्ड एक्टिविटीज से ही बच्चे की डेवलपमेंट होती है। विगॉट्स्की के ख्याल में इंडिविजुअल थिंकिंग पर सोशल सोर्सेज का बड़ा इंपैक्ट होता है। विगॉट्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे की कल्चरल डेवलपमेंट में हर चीज़ 2 मरतबा होती है। पहली मरतबा सोशल लेवल पर और दूसरी मरतबा जब बच्चा खुद उसके बारे में सोचता है। सोशल लेवल पर हम इसे इंटरसाइकोलॉजी कहते हैं और जब बच्चा खुद इसके बारे में सोचता है तो इसे इंट्रासाइकोलॉजी कहते हैं। ये तभी मुमकिन है जब बच्चा किसी चीज़ की तरफ अटेंशन पे करता है, या कोई चीज़ लॉजिकल मेमोरी से रिलेटेड हो, या फिर जब न्यू कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। जब हम कोई हायर मेंटल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, मसलन किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, तो पहले हमने जो कुछ दूसरों से सीखा होता है उससे हेल्प लेते हैं, फिर हम अपने तौर पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस तरह हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। विगॉट्स्की के अकॉर्डिंग सोशल इंटरेक्शन ही से मेंटल प्रोसेसेस, मसलन प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह स्टार्ट होते हैं। इसको एक मिसाल से यूँ समझिए कि जब कोई 6-7 साल का बच्चा अपना टॉय गुम कर लेता है, तो वो अपनी मामा से पूछता है कि मेरा टॉय कहाँ है। मामा कहेगी कि वो तुम्हारे पास था। वो बताएगा कि नहीं, वो मुझे मिल नहीं रहा। फिर मामा उससे पूछेगी कि आखिरी मरतबा तुमने उसे कहाँ देखा था, तो वो कहेगी मुझे याद नहीं। मामा पूछेगी कि बेडरूम में रखा था, बच्चा कहेगा कि नहीं। फिर पूछेगी कि किचन में रखा था, तो बच्चा कहेगा कि नहीं। फिर पूछेगी कि ड्राइंग रूम में रखा था, तो वो सोचने लगेगा या फिर कहेगा हाँ, तो वहाँ जाकर मामा उसका टॉय ढूंढ लेगी। इस मिसाल पर अगर गौर करें तो पता चलता है कि असल में बच्चे ने ही याद किया कि टॉय आखिरी बार उसने कहाँ रखा था, लेकिन बच्चे में इतनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुई होती कि वो ये तमाम स्टेप्स के बारे में खुद सोच सके। बच्चे ने ये स्टेप्स अब मामा से सीख लिए हैं, नेक्स्ट टाइम वो खुद ही इन स्टेप्स की मदद से कोई गुम हुई चीज़ को ढूंढ लेगा। तो हम कह सकते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन से स्टार्ट हुई। पियाजे और विगॉट्स्की दोनों ने ही सोशल इंटरेक्शन को कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन दोनों का पर्सपेक्टिव बड़ा ही डिफरेंट है। पियाजे के अकॉर्डिंग ज़्यादा हेल्पफुल सोशल इंटरेक्शन पीयर्स के दरमियान होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की थिंकिंग को चैलेंज करते हैं। इससे डिसइक्विलिब्रेशन आ जाता है, जिसे फिर एसिमिलेशन और अकोमोडेशन से इक्विलिब्रेशन में बदल दिया जाता है। इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन को मैंने एक और वीडियो में जॉन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। जबकि विगॉट्स्की के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट मोर एक्सपीरियंस लोगों यानी पेरेंट्स और टीचर के दरमियान इंटरेक्शन से होती है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कल्चरल टूल्स का है। विगॉट्स्की के अकॉर्डिंग कल्चरल टूल्स और साइकोलॉजिकल टूल्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करते हैं। कल्चरल टूल्स में प्रिंटिंग प्रोसेस, रूलर्स, एबेकस, ग्राफ पेपर और आजकल के दौर में कंप्यूटर और इंटरनेट वगैरह शामिल हैं। साइकोलॉजिकल टूल्स में साइन, नंबर, सिंबल, लैंग्वेज, मैप्स और आर्ट वर्क वगैरह शामिल हैं। इन दोनों टूल्स की हेल्प से हम नॉलेज को एडल्ट से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करते हैं। अकॉर्डिंग टू विगॉट्स्की, सोशो कल्चरल एक्सपीरियंस से जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, उसे हायर ऑर्डर की थिंकिंग में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम कल्चरल और साइकोलॉजिकल टूल से हेल्प लेते हैं।
सोशल इंटरेक्शन से बच्चे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट शुरू होती है वो इन टूल्स की मदद से मजीद इम्प्रूव होने लगती है। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रोल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट और प्राइवेट स्पीच का है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज एक बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करती है, क्योंकि हम इसकी मदद से अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, दूसरों से क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचते हैं, और इसी की हेल्प से हम पास्ट और फ्यूचर में लिंक्स बनाते हैं। विगार्स्की ने लैंग्वेज को प्याजे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। विगार्स्की के अकॉर्डिंग हमारी थिंकिंग स्पीच पर डिपेंड करती है, और इसी तरह हम थिंकिंग अबाउट थिंकिंग और सोशो कल्चरल एक्सपीरियंस के बारे में सोचने के लिए लैंग्वेज से हेल्प लेते हैं। अगर आप कुछ टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करें तो वो खेलने के दौरान अपने आप से बात करते हैं, ज़्यादातर जब बच्चा अकेला खेल रहा हो या फिर बाज़ दफ़ा दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए भी वो ऐसा करता है। पियाजे ने इसे सेल्फ डायरेक्टेड टॉक या ईगोसेंट्रिक स्पीच का नाम दिया है। पियाजे ने इस बात से ये कंक्लूड किया है कि ऐसा करना इस बात की दलील है कि बच्चा दूसरों के व्यू से वर्ड को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, वो अपने ही व्यू से वर्ड को ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए वो सुनने वालों के इंटरेस्ट को इग्नोर करके खुद में मगन रहते हैं। इसके बाद जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं अपने पीयर्स के साथ डिसएग्रीमेंट होता है, फिर सोशल स्पीच डेवलप होती है, फिर वो दूसरों के व्यूज़ को सुनते हैं और अपने व्यूज़ को एक्सप्लेन भी करते हैं। विगार्स्की का प्राइवेट स्पीच से रिलेटेड बड़ा ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। पियाजे की तरह वो इसे कॉग्निटिव इमैच्योरिटी नहीं समझता, बल्कि उसके ख्याल में ये ईगोसेंट्रिक स्पीच कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल प्ले करती है और बच्चे की सेल्फ रेगुलेशन में भी रोल प्ले करती है। इससे बच्चा अपने प्लान बनाता है, खुद को मॉनिटर करता है, अपनी थिंकिंग को गाइड करता है और इसी से अपने प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। पहले बच्चे का बिहेवियर दूसरे लोग कंट्रोल करते हैं, मिसाल के तौर पर बच्चे की मामा उसे कोई काम करने का कहती है या किसी काम से रोकती है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो खुद को अपनी स्पीच से रेगुलेट करता है उसी लैंग्वेज टूल को यूज़ करते हुए जो उसकी मामा ने यूज़ करते हुए उसके बिहेवियर को रेगुलेट किया था। जब बच्चा मज़ीद बड़ा होता है तो दूसरे लोगों को वो अपने इसी टूल से रेगुलेट करता है, और फिर फाइनली वो इनर स्पीच की मदद से खुद को भी रेगुलेट करना स्टार्ट कर देता है। इन स्टेप्स में स्पोकन वर्ड से साइलेंट इनर स्पीच तक हायर मेंटल फंक्शंस पहले लोगों में होते हैं जब वो दूसरों को के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, फिर वो कॉग्निटिव प्रोसेस बनकर बच्चे में भी डेवलप हो जाते हैं। ये इनर स्पीच उस वक्त तक स्टेबल नहीं होती जब तक बच्चा 12 साल का नहीं हो जाता। विगार्स्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पेपर सेटर अगर विगार्स्की की थ्योरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन डालता है तो 80% चांसेस यही है कि वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से रिलेटेड ज़रूर कुछ ना कुछ पूछेगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो एरिया होता है जिसमें बच्चे की करंट परफॉर्मेंस यानी बच्चा खुद अपनी प्रॉब्लम्स को बगैर किसी सपोर्ट के सॉल्व कर लेता है, और वो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो किसी एडल्ट की गाइडेंस से अचीव हो सकता है, इन दोनों लेवल के दरमियान में होता है। ये डायनामिक और एवर चेंजिंग प्रोसेस होता है। इस तरह वो टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करता है और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती चली जाती है। अब हम देख सकते हैं कि कैसे प्राइवेट स्पीच ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में रोल प्ले किया था वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में फिट आता है। अगर एडल्ट्स बच्चों की हेल्प के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि बच्चे अपना टास्क पूरा कर सके, तो इस टाइप की सपोर्ट को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट विगार्स्की ने खुद नहीं दिया था, बल्कि वुड, ब्रूनर और रॉस ने इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट टाइम 1976 में विगार्स्की की राइटिंग से ड्राइव किया था। स्कैफोल्डिंग का मतलब यह है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बच्चा एडल्ट से सपोर्ट लेता है, और जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाती है और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है तो वो खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है। यानी जैसे जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती चली जाती है, एडल्ट का लेवल ऑफ सपोर्ट बच्चे के लिए कम होता चला जाता है। पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट नॉलेज की एक्टिव कंस्ट्रक्शन से होती है। पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले होती है और फिर हमारी नॉलेज बिल्ड होता है। बगैर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हम नॉलेज को बिल्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन विगार्स्की के अकॉर्डिंग लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है और इसके लिए रेडीनेस ज़रूरी नहीं है। दरअसल अगर लर्निंग को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाए तो इससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। यानी जैसे जैसे हमारी लर्निंग होती है वैसे वैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती चली जाती है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो बीइंग एजुकेशनिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।